मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड के डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 4 दिवसीय चलने वाली प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 26 टीमें प्रतिभाग कर रही है, जिनमें 395 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में CRPF, आसाम राइफल, BSF के जवान भी शामिल है। इस मौके पर CM ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि खेल कोटे को फिर से भर्ती प्रक्रिया में लाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि इस खेल कोटे को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के बाद प्रतिभावान खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपने कर्तव्य पथ पर अधिक आगे बढ़ती है। सबसे पहले तो क्योंकि तीरंदाजी प्रतियोगिता द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है, इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान खिलाड़ी सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की, राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें।